तो वेंकटेश और श्रेयस अय्यर की फॉर्म है बेहद ही शानदार, वहीं आंद्रे रसल ने भी लगानी शुरू कर दी है अपने बल्ले को धार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने के लिए केकेआर है कितनी तैयार। What's going on everyone, welcome back to my YouTube channel। और डेटा एनालिटिक्स क्रिकेट का ही नहीं आजकल के पूरी दुनिया का एक बहुत ही बेशकीमती पार्ट है। डेटा एनालिटिक्स को स्टडी कर करके ही सारी टीमें इस बार अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, और इससे पहले भी सारी टीमें उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाती थी। यहां तक कि कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्स कैप्टन ऑयन मॉर्गन तो डेटा को देखकर ही अपनी फील्डिंग और बॉलिंग के डिसीजन भी लेते थे। और अभी तक जो हमने आईपीएल टीम्स का रिव्यू किया है या जो भी प्रिडिक्शन की है वो स्क्वाड को ऑन पेपर एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है, और आप भी उसी हिसाब से स्क्वाड का एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि क्रिकेट कंप्यूटर या पेपर पे नहीं मैदान पर खेली जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पांच फैक्टर्स की जिनके सहारे कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की तीसरी बार चैंपियन बन सकती है, और अगर ये पांचों फैक्टर एक साथ क्लिक करते हैं तो केकेआर को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो केकेआर के फैंस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली जो लगातार ग्रो होती चली जा रही है। और उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए जहां पर हमारी क्रिकेट फैंस की एक तगड़ी कम्युनिटी इकट्ठा हो रही है। हम साथ में मिलकर काफी सारे पोल करते हैं, काफी सारे ओपिनियन शेयर करते हैं, और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। तो कॉमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख करके जरूर बताइए, टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बनिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल, एंड नाउ दिस इज सॉर्टेड, लेट्स started with the video. First factor which can make Kolkata Knight Riders champion in the IPL 2022 is the Iyer factor. Shreyas Iyer aur Venkatesh Iyer ki form pichle kuch samay mein zabardast rahi hai, yahan tak ki Venkatesh Iyer to team India ke liye finisher ke role ko bhi grab kar rahe hain aur kuch playeron ke liye unki jagah ka sardar badha rahe hain. Wahin Shreyas Iyer ko jaise hi number 3 par mauka mila unhone Sri Lanka ke khilaf is mauke ka pura fayda uthaya. Pehle 3 matchon ki T20 series mein unhone 200 रन ज्यादा ठोक दिए और एक बार भी आउट नहीं हुए, मैन ऑफ द सीरीज बने, 3 हाफ सेंचुरी लगाई। वहीं टेस्ट सीरीज में भी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की, एक 90s और एक 60s रन की मुश्किल बैटिंग विकेट पर उन्होंने वो बल्लेबाजी करके दिखा दिया कि उनकी फॉर्म इस समय बेहतरीन अंदाज में चल रही है, और किसी भी कप्तान के लिए अच्छी फॉर्म में होना उसके कॉन्फिडेंस के कद को और बड़ा कर देता है। वहीं वेंकटेश अय्यर इज अ लेफ्ट हैंडर, श्रेयस अय्यर इज अ राइट हैंडर। खास करके एलेक्स हेल्स के आईपीएल से पुल आउट हो जाने के बाद वेंकटेश और श्रेयस पर पूरी बैटिंग ऑर्डर की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, खास करके श्रेयस अय्यर पर। और अगर वो अपने पुराने आईपीएल रिकॉर्ड के कंपैरिजन में अपना स्ट्राइक रेट सुधार लेते हैं, जो उन्होंने खुद भी श्रीलंका सीरीज के बाद बोला था कि उनका स्ट्राइक रेट एक इशू था, और अब वो डॉट बॉल्स खेलने को नहीं देखते हैं और अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और अगर श्रेयस के साथ वेंकटेश भी इसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, देन केकेआर कैन डेफिनेटली रूल वंस अगेन। सेकंड फैक्टर जो कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन में बड़ा रोल अदा करेगा इन दी आईपीएल 2022 इज रसल द मसल। आंद्रे रसल इस बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे की प्लेयर होने वाले हैं, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर से डेथ बॉलिंग में तो उन पर डिपेंड करने ही वाली है, लेकिन इन माय ओपिनियन रसल द बैट्समैन का चलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से वो 2018 में चले थे और एक तरफा टीम को कैरी करके उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचा दिया था, आंद्रे रसल की बल्लेबाजी पिछले 1 से 2 सालों में उस दर्जे की नहीं रही जिस दर्जे की हम उनसे एंटिसिपेट करते हैं, और उनकी फिटनेस एक बड़ा रीजन जरूर है जिस वजह से उनकी फॉर्म में डिपिंग हुई है। लेकिन इस बार वो इंडिया आ चुके हैं, अपने बालों को पर्पल और गोल्ड उन्होंने कर दिया है, और आंद्रे रसल मुझे तो पहले से ज्यादा फिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी इंटरनल बॉडी कैसी है वो जरूर देखना होगा। लेकिन अगर आंद्रे रसल लोअर ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में उस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं जो एक समय पर वो किया करते थे 2018 एंड 2019 सीजन, देन कोलकाता नाइट राइडर्स को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड इन माय ओपिनियन रसल द मसल कैन रूल वंस अगेन। थर्ड फैक्टर जो कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में बड़ा रोल अदा करेगा इन दी आईपीएल 2022 इज द स्पिन विजर्ड। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन डुओ इस बार भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक की फैक्टर होने वाला है। सुनील नारायण को जब केकेआर ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया था, वहीं से कोलकाता नाइट राइडर्स की जो बॉलिंग थी वो इकट्ठा होकर के खेलनी शुरू हुई थी। शुरुआत में आप चेन्नई में खेल रहे थे पिछले साल और आपने वहां पे सुनील नारायण को नहीं खिलाया, दैट वॉज अ बिग ब्लंडर इन माई ओपिनियन, और
इस बार सुनील नारायण के साथ उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करने का एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने शुभमन गिल को जाने दिया, उस शुभमन गिल को जिसको 2018 में सीधे अंडर 19 से वो लेकर के आए थे। यानी कि केकेआर जानता है कि उनके स्पिन विजर्ड्स, उनके स्पिन डुओ फिरकी में फंसाने का मादा रखते हैं। और चूंकि आईपीएल इस बार 4 ग्राउंड्स पर ही खेला जा रहा है, चाहे जितनी मर्जी आप अच्छी बैटिंग विकेट बना दो, जैसे जैसे मैचेस उस पर होते रहेंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी अप्रैल और मई के महीने में, स्पिनर्स को मदद मिलना बिल्कुल ही वहां पर लाजमी हो जाएगा और वहीं पर सुनील और वरुण फिरकी में अपना जादू दिखाएंगे और अपने मिस्ट्री में सभी को फंसाएंगे। फोर्थ की फैक्टर इन दी आईपीएल 2022 फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इज देयर यंग ब्लड। यंगस्टर्स पर ये टीम हमेशा से बहुत ही ज्यादा भरोसा जताती है, खास करके ऐसे प्लेयर जो मल्टी स्किल प्लेयर होते हैं, चाहे आप नीतीश राणा की बात करो, चाहे आप शिवम मावी की बात करो, चाहे आप अमन खान, प्रथम सिंह, ये जितने भी प्लेयर्स की आप बात कर लो, इवन श्रेयस अय्यर अब तो यंग कप्तान के पास भी चले गए हैं। पिछली बार तक तो दिनेश कार्तिक, ओयन मॉर्गन जैसे सीनियर्स पर भरोसा जता रहे थे, लेकिन इस बार कप्तान भी यंग लेकर के आए हैं, साथ में वेंकटेश यार भी वहां पर मौजूद है। तो यंग ब्लड इस टीम की एक बड़ी खासियत है और इस टीम को डिफरेंशिएट करती है बाकी टीमों से जो यूथ और एक्सपीरियंस के मिक्सचर के पीछे जाते हैं। पिछले 3 से 4 सालों में केकेआर ने यंगस्टर्स पर बहुत ही ज्यादा भरोसा जताया है और इस बार अगर इनके यंगस्टर्स क्लिक करते हैं देन केकेआर विल डेफिनेटली बी तैयार। फिफ्थ की फैक्टर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन द आईपीएल 2022 इज देयर डेथ बॉलिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स की डेथ बॉलिंग पिछले साल भी उनके लिए एक समस्या थी, जहां पर उनको आंद्रे रसल से मजबूरन डेथ बॉलिंग करानी पड़ रही थी और इस साल भी उन्होंने अपने उस आर्सेनल में ज्यादा इजाफा नहीं किया है, लेकिन शिवम मावी और रासिक सलाम जैसे बॉलर्स पर उन्होंने भरोसा जताया है। जैसे कि मैंने आपको यंग ब्लड वाले फैक्टर में बताया था कि यंगस्टर्स को ही अब आगे आकर के कोलकाता नाइट राइडर्स को संभालना होगा और अगर शिवम मावी और रासिक सलाम जैसे बॉलर अपने पेस का फायदा उठा करके डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करने लगे, दैट कुड बी अ मेजर बूस्ट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। और उनके साथ साथ मैं देखना चाहूंगा कि टिम साउदी या फिर पैट कमिंस भी डेथ बॉलिंग की थोड़ी जिम्मेदारी ले, क्योंकि डेथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। शिवम मावी के पास पेस है, रासिक सलाम के पास पेस है पैट कमिंस के पास, आंद्रे रसल पर भी डेथ में भरोसा जता रही है केकेआर, और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी डेथ बॉलिंग को अच्छा कर लेती है तो इस साल केकेआर को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इन 5 फैक्टर से सहमत हो या आपके हिसाब से कोई और भी की फैक्टर है जो कोलकाता नाइट राइडर्स को दुरुस्त कर रहा होगा अगर उन्हें आईपीएल 2022 में अपनी छाप छोड़नी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, मेक श्योर टू चेक आउट रेस्ट ऑफ द वीडियोस फ्रॉम द चैनल जहां पर हम आपके लिए लगातार अच्छा कॉन्टेंट अवेलेबल करा रहे हैं। टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और केकेआर ही नहीं, इस तरीके की वीडियोस आईपीएल की 10 टीम पर आने वाली है, जहां पर हम टीम के टॉप फैक्टर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से वो टीम इस बार आईपीएल 2022 में अपनी छाप छोड़ सकती है और चैंपियन बन सकती है। क्योंकि याद रखिए, डेटा एनालिटिक्स एक टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बिना डेटा को स्टडी किए आज के समय में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन इवेंचुअली आपको क्रिकेट खेलनी है मैदान पर और मैदान पर जो जीतता है वही सिकंदर होता है। मेक श्योर टू चेक आउट रेस्ट ऑफ वीडियोस फ्रॉम द चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।